अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाद हुसैन और आप सबको अपने इस स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड में। जी नाज़रीन, बर्जर ट्रस्टेड वर्ल्ड वाइड, इसके ऊपर हम आपने इस आज के स्पेशल शो में हम बात करेंगे, कंपनी का तफसीली जायज़ा लेंगे, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कंपनी डील करती है। इनिशियली ब्रीफ एक इंट्रो आपके सामने रखेंगे, कंपनी की एक हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे, देन कंपनी के जो कुछ जो फाइनेंशियल्स हैं पिछले कुछ सालों में उसमें किस किस्म का जो है ट्रेंड रहा है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, और शेयर प्राइस के अंदर पिछले कुछ सालों में किस तरह से उतार चढ़ाव जो है वो विटनेस किया गया उस पर भी हम नज़र डालेंगे। बट सबसे पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है आपके सामने रखते हैं। बर्जर वॉज एस्टेब्लिश 2 सेंचुरीज अगो एंड नाउ इट हैज़ ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर्स। बर्जर्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बर्जर की जो हिस्ट्री है वो इतनी ही ओल्ड है जितनी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, क्योंकि बर्जर स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान 1950 में बर्जर ने पाकिस्तान के अंदर अपने जो ऑपरेशन था उसका आगाज़ किया, और पहली जो है कंपनी जो है थी फर्स्ट पेंट कंपनी दैट ऑर्गेनाइज्ड पेंट कंपनी टू ऑफर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, पहली कंपनी थी जो कि जिन्होंने जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं ऑफर किए पाकिस्तान में, बट इंपोर्ट के जरिए यूके से इंपोर्ट किए जाते थे प्रोडक्ट्स इनिशियली, देन उसको पाकिस्तान में जब वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, सेल किया जाता था। बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी 1974 में, व्हेन 49.38% ऑफ इट्स शेयर्स वर अक्वायर्ड बाय पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स एंड वाइल द रिमेंड 50.62% वर हेल्ड बाय यूके पेरेंट कंपनी जेंसन एंड निकोलसन लिमिटेड। 1991 में अगर हम देखें तो 1991 में स्लॉट रैपिड लिमिटेड है यूके बेस्ड कंपनी विद डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट अक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड बाय गेनिंग 50.62% शेयर्स ऑफ द कंपनी। प्रिंसिपल एक्टिविटी अगर हम देखें, जैसा नाम से जाहिर है, द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ पेंट्स, वार्निशेस एंड रिलेटेड अदर आइटम्स। बर्जर एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कराची इन 1955 एज द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेंडेड द डिमांड फॉर क्वालिटी पेंट्स आल्सो गिवन। बर्जर कंटिन्यू टू मेक एक्सटेंशंस इन इट्स प्रोडक्ट रेंज टू मीट्स रिक्वायरमेंट्स। देन इसके बाद अगर हम देखें 2006 के अंदर जो है बर्जर एस्टेब्लिश स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन लाहौर एज वेल। दिस प्लांट हैज़ प्रोवाइडेड बर्जर एन एज ओवर इट्स कंपटीशन थ्रू एनहेंस प्रोडक्शन, देन इट हैज़ इनेबल्ड बर्जर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इट्स वैल्यूड कस्टमर्स अक्रॉस पाकिस्तान। बर्जर पेंट्स का जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में, आप देखते हैं किस तरह एक तारीख है इस कंपनी की, और जिस तरह जो ग्रोइंग डिमांड है पाकिस्तान की पेंट्स के वाले उसमें किस तरह वक्तन फवक्तन कंपनी ने जो 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 कैपेसिटी है उसको भी जो है वो एक्सपेंड करती रही है। हेड ऑफिस की बात की कंपनी का जो लाहौर के अंदर है, इस वक्त लोकेशन भी आप देख सकते हैं, इस वक्त हेड ऑफिस की जो जो मार्क की है येलो कलर से। बिजनेस लाइन अगर हम देखें तो डिफरेंट जो है आप देख सकते हैं इसमें एरियाज़, सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑटोमोटिव बिजनेस है, इसके बाद जनरल इंडस्ट्रीज फिनिशेज है, देन पावर पाउडर कोटिंग्स है, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स है, व्हीकल रिफिनिशेज बिजनेस है, रोड सेफ्टी है, गवर्नमेंट एंड मरीन्स है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है, एडहेसिवस है, डेकोरेटिव बिजनेस है। ये वो डिफरेंट लाइन्स हैं बिजनेस की जिसके अंदर कंपनी इस वक्त जब वो डील कर रही है या ऑपरेट कर रही है। फाइनली अगर हम बात करें इस वक्त के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की रही है कंपनी की ओवर द ईयर्स, किस तरह कंपनी की सेल्स के अंदर जो है वो उतार चढ़ाव रहा, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें किस किस्म का ट्रेंड रहा, इसके ऊपर नज़र डालें तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखें पिछले कुछ सालों का और ख़ासतौर पर रिसेंट 9 मंथ का भी, तो उससे क्लियरली एक ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले कुछ सालों में वो किस तरह रही है। सबसे पहले अगर हम
सेल्स पे नज़र डालें तो फिस्कल ईयर 19 में 5.1 बिलियन रुपीस की सेल्स थी कंपनी की, जो कि FY20 के अंदर कम होकर 4.1 बिलियन रुपीस की सतह पर आ गई। देन इसके बाद FY21 में जो सेल्स हैं उसमें एक रिकवरी क्लियरली देखी जा सकती है। 4.1 बिलियन रुपीस की सेल्स से बढ़ के फिस्कल ईयर 21 में कंपनी की जो सेल्स है, जो टॉप लाइन है, वो 5.6 बिलियन रुपीज़ की सतह तक आ गई। 9 मंथ FY22 में अगर देखें तो अब तक 5.16 बिलियन रुपीस की जो है सेल्स कंपनी जो है बुक कर चुकी है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट पे अगर हम नज़र डालें तो FY19 के अंदर 1.1 बिलियन रुपीस का जो है ग्रॉस प्रॉफिट था, जो कि कम होकर 876 मिलियन रुपीस की सतह पे आ गया FY20 में, जबकि FY21 में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिकवर होकर 1.11 बिलियन रुपीस की सतह पर आ गया, जबकि 9 मंथ FY22 में ऑलरेडी कंपनी जो है 42 मिलियन रुपीस का जो है ग्रॉस प्रॉफिट बुक कर चुकी है। कंपनी के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे नज़र डालें तो 665 मिलियन रुपीस के जो है कंपनी के जो है ये एक्सपेंसेस थे FY19 में, जो कि FY20 में कम होकर 480 मिलियन रुपीस की सतह पर आ गए। बट फिस्कल ईयर 21 पे अगर हम नज़र डालें तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो उसमें इजाफा हुआ, जिस तरह सेल्स बढ़ी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा इसी तरह ये एक्सपेंसेस भी बढ़े और बढ़ के पहुँच गए 539 मिलियन रुपीस की सतह पे। 9 मंथ FY22 में अगर हम नज़र डालें तो ये जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलरेडी अगर हम देखें तो 495 मिलियन रुपीज़ के लेवल तक पहुँच चुके हैं। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस पर अगर हम नज़र डालें तो 185 मिलियन रुपीज़ के ये एक्सपेंसिस थे फिस्कल ईयर 19 में, जो कि FY20 में कम होकर 168 मिलियन रुपीस की सतह पर आ गए, जबकि FY21 में जो एक्सपेंसेस थे उसमें मामूली इजाफा हुआ और मामूली इजाफे के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहे FY21 में वो रहे तकरीबन 172 मिलियन रुपीस के, जबकि 9 मंथ FY22 पे अगर हम नज़र डालें तो अब तक तकरीबन कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की मद में 165 मिलियन रुपीस जो है वो बुक कर चुकी है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे अगर हम नज़र डालें, बट इससे पहले अगर हम देखें कि जो जो अदर ऑपरेटिंग इनकम है उसमें किस किस्म का ट्रेंड रहा है, तो FY19 में जो अदर ऑपरेटिंग जो इनकम रही है वो तकरीबन 32 मिलियन रुपीस की थी, जो कि फिस्कल ईयर 20 में बढ़ के 84 मिलियन रुपीस के लेवल पर जा पहुंची, और यही इजाफे का जो सिलसिला है वो FY21 में भी बरकरार रहा, और तकरीबन कुछ इजाफे के बाद जो अदर ऑपरेटिंग इनकम है FY21 में वो पहुंच गई 92 मिलियन रुपीस के लेवल पे। 9 मंथ FY22 पे अगर नज़र डालें तो अब तक तकरीबन 51 मिलियन रुपीस जो है कंपनी ने अदर इनकम की जो है मद में बुक किए हैं। कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर अगर नज़र डालें तो 165 मिलियन रुपीज़ की जो है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट थी FY19 में, जो कि जो है बढ़ के 190 मिलियन रुपीज़ की सतह पे जा पहुंची FY20 में, जो कि FY21 पे अगर हम देखें तो कम होकर 118 मिलियन रुपीज़ की सतह पर आई। 9 मंथ FY22 में ऑलरेडी जो है सिग्निफिकेंट जो है वो कमी देखी जा सकती है। MS अगर हम देखें तो जो 9 मंथ FY22 रहा है उसमें जो है तकरीबन 23 मिलियन रुपीस की जो है फाइनेंस कॉस्ट रही है कंपनी की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अगर हम नज़र डालें तो फिस्कल ईयर 19 में 101 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि FY20 में कम होकर 74 मिलियन रुपीस की सतह पर रहा। FY21 में एक ज़बरदस्त इजाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर देखा जा सकता है, तकरीबन 195 मिलियन रुपीस का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने बुक किया FY21 में। 9 मंथ FY22 में ऑलरेडी अगर हम देखें तो 156 मिलियन रुपीस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी जो है वो बुक कर चुकी है। अर्निंग पर शेयर पे नज़र डालें तो FY19 में 4.93 रुपये का जो है अर्निंग पर शेयर था, जो कि कम होकर FY20 में 3.63 रुपये के लेवल पर आ गया। बट FY21 में अगर हम देखें तो जो जो अर्निंग पर शेयर था वो बढ़ के 9.54 रुपये की सतह पर पहुंच गया। 9 मंथ FY22 में ऑलरेडी 7.63 रुपये का जो है कंपनी अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज कर चुकी है। देखते हैं कि जो जो फाइनल जो ईयर के जो रिजल्ट्स आएंगे FY22 के, तो उसमें देखते हैं कि जो जो रिमेनिंग क्वार्टर था यानी जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, और ओवरऑल जो है FY22 के अंदर जो कंपनी की जो सेल्स है, जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें किस किस्म का जो है उतार चढ़ाव रहा।
बैलेंस शीट पर अगर हम नज़र डालें तो FY19 पर अगर हम नज़र डालें तो जो नॉन करंट एसेट्स थे FY19 के अंदर वो थे 1.36 बिलियन रुपीज़ के, जो कि बढ़ के FY20 के अंदर तकरीबन 1.79 बिलियन रुपीज़ के सतह पर जा पहुँचे। FY21 पे अगर हम देखें तो 1.78 बिलियन रुपीज़ के जो है नॉन करंट एसेट्स से, जो कि 9 मंथ के अंदर भी 1.78 बिलियन रुपीज़ के करंट नॉन करंट एसेट रहे हैं इस फिस्कल ईयर 22 में। कंपनी के करंट एसेट्स पे अगर हम नज़र डालें तो 2.9 बिलियन रुपीज़ के करंट एसेट्स थे FY19 में, जो कि बढ़ के 2.75 बिलियन रुपीज़ की सतह पर जा पहुँचे FY20 में, जबकि FY21 में अगर हम देखें तो इजाफे के साथ जो करंट एसेट्स की पोजीशन है वो 3.22 बिलियन रुपीज़ की सतह पर रही। 9 मंथ FY22 में 4.16 बिलियन रुपीज़ के जो है कंपनी के करंट एसेट्स रहे हैं। तो देखा कि किस तरह कंपनी के जो जो करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स, उसमें किस तरह की जो है फ्लक्चुएशन रही है पिछले कुछ सालों में। जबकि कंपनी की अगर हम टोटल इक्विटी पर नज़र डालें तो 1.58 बिलियन रुपीस की जो है कंपनी की टोटल इक्विटी थी FY19 में, जो कि बढ़ के तकरीबन 2.06 बिलियन रुपीस के सतह पे जा पहुंची FY20 में, जबकि इजाफे का सिलसिला FY21 में भी बरकरार रहा और इजाफे के बाद जो टोटल इक्विटी है वो पहुंच गई 2.22 बिलियन रुपीस की सतह पे। 9 मंथ FY22 पे अगर हम देखें तो 2.32 बिलियन रुपीस के जो है कंपनी का टोटल इक्विटी है। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पर नज़र डालते हैं। FY19 के अंदर 244 मिलियन रुपीज़ की जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थी, जो कि बढ़ के 276 मिलियन रुपीज़ के सतह पे जा पहुंची FY20 में, जबकि FY21 में जो लेवल्स है इन लाइबिलिटीज़ का यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का वो कम होकर 229 मिलियन रुपीज़ की सतह पे आ गया। जबकि 9 मंथ FY22 में अगर हम देखें तो 256 मिलियन रुपीज़ की जो है कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रेंड अगर हम देखें तो FY19 के अंदर 2.52 बिलियन रुपीस की जो है करंट लाइबिलिटीज़ थी, जो कि कम होकर 2.22 बिलियन रुपीस की सतह पर आई FY20 में, जबकि FY21 पे अगर हम देखें तो जो जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ के 2.55 बिलियन रुपीस की सतह पर आ गई। जबकि 9 मंथ FY22 में जो है जो इजाफे का सिलसिला है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर वो बरकरार, और इजाफे के बाद जो करंट लाइबिलिटीज़ की पोजीशन है 9 मंथ FY22 के अकाउंट्स के मुताबिक वो है 3.36 बिलियन रुपीस की। ग्राफ्स की मदद से देखते हैं कि सेल्स के अंदर किस किस्म का जो उतार चढ़ाव रहा है पिछले कुछ सालों में। FY20 के अंदर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह सेल्स के अंदर जब वो कमी हुई कोविड की वजह से डेफिनेटली हिट पड़ी, तो जिस तरह दीगर इंडस्ट्रीज़ को, इसी तरह पेंट इंडस्ट्रीज़ को भी, और इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो पेंट्स को। बट FY21 के अंदर सेल्स जो है वो रिकवर होते हुए देखी जा सकती है। 9 मंथ FY22 चैलेंजिंग ईयर रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जब वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सेल्स है उसमें अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो जो ग्रोथ है वो जो है उसमें कंपैरेटिवली जो लास्ट ईयर था उसके मुकाबले में कुछ कमी हुई है। बट स्टिल जो जो सेल्स है वो डेफिनेटली ग्रो करते हुए नज़र आई है, बट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के जो ग्रोथ के जो नंबर्स है उससे कुछ कम है। बट फाइनल क्वार्टर पेंडिंग है, देखते हैं कि जब कम्प्लीट ईयर होता है तो उसमें जो ग्रोथ के जो नंबर्स है वो उनकी पोजिशन क्या रहती है। ग्रॉस मार्जिन बहरहाल उसमें डिक्लाइन ही नज़र आता है। FY20 के अंदर भी डिक्लाइन, देन FY21 में भी जो ग्रॉस मार्जिन है वो कम हुए, देन FY22 की अगर हम बात करें 9 मंथ की तो उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह जो जो ग्रॉस मार्जिन का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो अब तक जो है वो इंटैक्ट है। फाइनल क्वार्टर के अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है, बट लार्जर वे में अगर हम देखें तो जो जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ग्रॉस मार्जिन का वो बरकरार रहता हुआ नजर आ रहा है। नेट मार्जिन में एक सूरत हाल जो है कुछ डिफरेंट है, जो अप एंड डाउन मूव्स देख सकते हैं नेट मार्जिन के अंदर। FY20 में आप देख सकते हैं किस तरह नेट मार्जिन है वो नीचे है, बट शार्प रिकवरी नेट मार्जिन के अंदर हुई FY21 के अंदर। देन उसके बाद दोबारा अगर हम देखें 9 मंथ FY22 के तो उसमें जो मार्जिन है, जो नेट मार्जिन हैं उसमें क्लियरली जो है वो कमी देखी जा सकती है।
थर्ड क्वार्टर अगर हम देखें कंपैरेटिवली, थर्ड क्वार्टर जो है साथ पिछले साल का जो थर्ड क्वार्टर है FY21 का, उसके मुकाबले में सिर्फ थर्ड क्वार्टर की क्या पोजीशन रही है? तो सेल्स बहरहाल क्लियरली सेल्स में इजाफा हुआ है, सेल्स कंपनी ने उसमें इजाफा हुआ है, बट जो जो बॉटम लाइन है, जो नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर जो वो कमी देखी जा सकती है। और साथ साथ मार्जिन की अगर हम बात करें, चाहे वो ग्रॉस मार्जिन हो या वो नेट मार्जिन हो, दोनों के अंदर जो है वो कमी हुई है। ख़ासतौर पर अगर हम देखें ग्रॉस मार्जिन के अंदर जो है वो कमी होते हुए क्लियरली देखी जा सकती है। देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर क्या सूरत हाल रहती है, या जो डाउनवर्ड ट्रेंड है मार्जिन्स में खासतौर पे, वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी जो है बरकरार रहते हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें कंपनी के हवाले से, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हुई हैं, और क्लियरली कुछ उसके जो है साइंस भी नज़र आ रहे हैं, और स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से कि जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको कुछ कंटेन किया जा सके, ताकि जो जो आशारी हैं इकॉनमी के उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो डेफिसिट तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था उसको कंटेन किया जा सके, ताकि जो सूरत हाल है वो जो है वो बैलेंस रहे, बेहतर रहे। डेफिनेटली उसका जो इम्पेक्ट है कंपनी की सेल्स पे पड़ सकता है। देखते हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में क्या सूरत हाल रहती है, बट फिलहाल नज़र आ रहा है कि जो जो मेजर्स हैं वो जो जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मज़ीद जो है वो कंटेन करेंगे। अगर हम बात करें पॉलिसीज़ के हवाले से, तो डेफिनेटली इस वक्त फिस्कल और जो जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक टाइट ही नज़र आती है। अभी मॉनिटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट होगी इस मंथ, उसमें भी देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, ये जो जो इजाफा है शरह सूद में वो किया जाता है या नहीं। टी बिल्स का जो ऑक्शन हुआ रिसेंटली, उसमें बहरहाल यील्ड जो चेंज रही है, बट इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जिस तरह जो जो गवर्नमेंट ने जो जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, जिसकी वजह से हमने एक बूम बूम देखा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, उससे ज़बरदस्त इजाफा सीमेंट की सेल्स में हुआ, ज़बरदस्त इजाफा जो है रीबास की सेल्स में हुआ, साथ साथ इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो दीगर जो केमिकल्स हैं उसकी सेल्स में भी भरपूर इजाफा होते हुए देखा गया, जिसकी रिफ्लेक्शन जो है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी देखी गई पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें। बट इस वक्त सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो तब्दील हो चुकी है, बट ये जो ड्यूरेशन है इस चेंज का, ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं इसका, वो किस हद तक मज़ीद जो है वो प्रोलोंग करता है, क्योंकि जितनी ये जो मेजर्स है जितना ज़्यादा स्टे करेंगे उतना ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है वो कंटेन रहेंगे, और उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ख़ासतौर पर इस तरह की जो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डेफिनेटली जो है वो नेगेटिव पड़ेगा। इसी तरह व्हीकल्स की सेल्स की अगर हम बात करें, तो कंपनी के जो जो सीईओज़ हैं वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेल्स है इस साल जो व्हीकल्स की जो सेल्स है उसमें डबल डिजिट जो है वो डिक्लाइन जो है वो देखा जा सकता है, और यही अगर सूरत हाल रही तो डेफिनेटली उससे जो बर्जर पेंट्स की जो सेल्स है डेफिनेटली उस पर भी जो है वो नेगेटिव इम्पेक्ट जो है वो पड़ सकता है। बट देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है, बट ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर जो वो इम्पेक्ट डाल सकते हैं। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों में किस तरह की जो मूव्स है वो रही हैं बर्जर पेंट्स के स्टॉक प्राइस के अंदर, तो इनिशियली आप देख सकते हैं कि ग्राफ में स्टार्ट में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन, एक डाउनवर्ड ट्रेंड, देन उसके बाद ज़बरदस्त एक अप मूव देखा जा सकता है, एक ज़बरदस्त मूव जो है क्लियरली नज़र आता है बर्जर पेंट्स के स्टॉक प्राइस के अंदर, बट उसके बाद जो ही ओवरऑल इक्विटी मार्केट जो कलेप्स करना शुरू की, तेज़ी से मार्केट नीचे आना शुरू हुई, इकोनॉमिक सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई, तो दीगर स्टॉक्स की तरह मार्केट की तरह जो बर्जर पेंट्स का जो स्टॉक है वो भी नीचे आया, बट उसके बाद रिकवरी का सिलसिला शुरू हुआ। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले कई माह से स्टॉक जो है एक साइडवेज मोमेंट के अंदर ही रहा, बीच में कुछ जो है स्पाइक्स भी देखी जा सकती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के एक फेज़ के अंदर ही, एक साइडवेज मोमेंट के अंदर ही स्टॉक जो है लार्ज फ्रेम के अंदर देखा जा सकता है। देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या सूरत हाल रहती है, या यहाँ से किसी किस्म की स्टॉक के अंदर रैली जो है वो विटनेस की जाती है या नहीं, या इसी तरह जो जो साइडवेज मोमेंट है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो बरकरार रहती हैं। फाइनली कुछ स्टॉक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे, बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड का जो टिकर है जिससे इसके शेयर जो है PSX में ट्रेड होते हैं वो है बी
ERG बर्ज साथ साथ अगर आप 52 वीक हाई लोग देखें तो 165.98 रुपीज़ का जो इसका 52 वीक हाई है, जबकि 68.57 रुपीज़ का जो है 52 वीक लो है। जबकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर हम देखें तो 20.459 मिलियन शेयर्स के हैं, जबकि फ्री फ्लोट अगर हम देखें तो 9.2 मिलियन शेयर्स का है, जो कि लगभग 45% बनता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स का। जबकि मार्केट कैप अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ US डॉलर तो वो तकरीबन 7.6 मिलियन US डॉलर तक का जो है कंपनी का मार्केट कैप बनता है। नाज़रीन, आज के हमने इस स्पेशल शो के अंदर बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड पे जो है बात की, कंपनी का जो जो एक इंट्रो है वो भी हमने आपके सामने रखा, किस किस इंडस्ट्री के अंदर जो है कंपनी डील कर रही है, जो बिजनेस लाइन है उस पर हमने बात की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ सालों में कैसी रही, खासतौर पर जो की पॉइंट्स इस वक्त जो इकोनॉमिक सिनेरियो है मुल्क का उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, इस पर भी हमने बात की। अब नेक्स्ट शो में एक नई कंपनी के साथ आपसे मुलाकात होगी स्पेशल शो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।